ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स दिखा दीजिए एक बार भाई निफ्टी स्क्रीन्स पे। कहीं नहीं, 22,000 के शेड नीचे हैं, पर हम जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइए स्क्रीन्स पे दिखाइए जरा हम सबको। हमने वो पहले तो पॉकेट स्क्वायर लाल हटा दिया था, टाई लाल हटा दिए, दोनों हरी टाई में पहुंच गए। इससे ज्यादा क्या करें बाजार? जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्वेस्टर्स। हाँ, अब वो चले ना चले, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एज वी स्पीक 22,000 के शेड नीचे वापस भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए 1:18। ये है एडवांस डिक्लाइन की कहानी। इतना डिटोरिएटेड कब था लास्ट? मतलब याद ही नहीं है मुझे, कोविड वो तो खैर वो अलग ही कहानी थी। इस तरह की स्थिति है, दिक्कत भरी स्थिति है, और टाइम पास हो रहा है, निकल रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति वो ऊपर आपकी स्क्रीन्स पे आंकड़े 295:230 का है, अभी भी टसल ऑन है। चलिए आलोक के पास चलें, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स। सुबह बीजेपी के हेडक्वार्टर्स 7 बजे से हम दिखा रहे थे, तैयारी थी, जश्न का माहौल था, नाश्ता पानी लक्ष्मण ने सब दिखाया था, पर आलोक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, आवाज दबाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मूड मॉल एकदम पिकअप कर गया है। आलोक, क्या हालचाल भाई? मैं अज्यूम कर रहा हूँ मूड मॉल अब लोग आ रहे होंगे, जमावड़ा होना शुरू हो गया होगा, एक्साइटमेंट होगा उस कैंप में। क्या जायजा है भाई कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, क्या हालचाल? बहुत देखिए जबरदस्त, यहाँ पर मेरे पीछे आप ढोल नगाड़ों की आवाज सुन सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के जितने सपोर्टर हैं वो यहाँ पर जबरदस्त उत्साह है उनमें, और जो स्क्रीन लगाई गई थी उसके पीछे आप देख सकते हैं जब भी जो नतीजे आ रहे थे, ट्रेंड्स आ रहे थे, उसको लेकर काफी उत्साहित हो रहे थे। और ये देखिए ढोल नगाड़ा ताशे यहाँ बज रहे हैं। यकीन है एक बार फिर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर यहाँ पर मांग फिर से उठ रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और इंडिया गठबंधन के सपोर्टर का जोश पूरा हाई है। और क्यों ना हो, क्योंकि जो कांग्रेस जिनके पास 52 सीटें थी लोकसभा में, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में अभी भी 300 के आसपास उनके रुझान दिख रहे हैं, और बहुत हद तक संभव है कि उसमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन चूंकि समय काफी व्यस्त रहा है, इसलिए कांग्रेस जो एक कह सकते हैं कि बिल्कुल अपने निचतम स्तर से जो बढ़ी है उसको लेकर एक तरह से सेलिब्रेशन है, और जो 400 पार का आंकड़ा का नारा लगाया गया था, कहीं न कहीं उसको न पार कर पाने की भी यहाँ पर खुशी है कि जो यहाँ पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी मोदी सरकार की तरफ से 400 पार का, उस नैरेटिव को कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ध्वस्त कर दिया है, और लिहाजा ये उत्साह और ये खुशी कांग्रेस कार्यालय में आप देख सकते हैं। होने लगा भाई साहब, अब इंडिविजुअली इनके जो INDIA अलायंस है इसके इंडिविजुअल ब्रेकअप दिखाइएगा। इसमें कांग्रेस 94 थी मेरे ख्याल से, वो क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत है। अगर 100 प्लस पे जा रहे हैं तो बाकी कांग्रेस का शायद अपर हैंड होगा उस इंडिया अलायंस। मेरे को आलोक से एक चीज पूछनी है, ये कांग्रेस प्रिपेयर्ड थी क्या कि इनको ढोल नगाड़े बजाने का मौका मिलेगा? ये लास्ट मिनट अरेंजमेंट किया है वहां पे आलोक? तैयारी उनकी पहले से थी या फिर लास्ट मिनट ये सारा हंगामा हुआ है उधर? देखिए यहाँ पर तैयारी कल से थी, यहाँ पर दोनों तरफ से, यहाँ पर जो पंडाल दिख रहा है ये बड़ा पंडाल यहाँ पहले से लगा हुआ था, यहाँ टीवी स्क्रीन लगाने के पहले से ही अरेंजमेंट था। जो मेन लॉन है कांग्रेस का वहाँ पर भी बड़ा टेंट लगा हुआ है, अभी भी वहाँ पर हजारों कार्यकर्ता मौजूद हैं, और तैयारी पूरी थी। लेकिन जैसे जैसे सुबह से रुझान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते दिखे, उसके बाद से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आना एकदम से तेजी से बढ़ गया। सुबह जो कुछ ही कार्यकर्ता, सैकड़ों में कार्यकर्ता मौजूद थे, वो यहाँ पर हजारों की तादाद में बढ़ गए हैं, और इसी वजह से जो देखिए कांग्रेस में सुबह से ही नाश्ते का, मिठाइयों का इंतजाम सुबह से ही था, लोग बाकायदा यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए पूरा अरेंजमेंट था। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जो जोश है और जिस तरह उत्साह है, जाहिर सी बात है लड्डू मिठाई या फिर जो कह सकते हैं खाने पीने का दोस्त यहाँ पूरा करके कांग्रेस को रखा गया था। चले आलोक, अब तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, इस तरह का उत्साह कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स।
लक्ष्मण कह रहे थे पीछे लोग ही नहीं जुट पा रहे हैं वहां पे, माहौल ऐसा हो गया है। तो अभी लक्ष्मण के बाद थोड़ी देर से फिर वापस जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। आई थिंक शाम को आलोक और लक्ष्मण कंपेयर करने वाले कि किसकी मिठाई ज्यादा बेहतर और किसको कितनी मिली और किसको कितनी मिली। अगर जो इसकी पार्टी कमजोर होगी उसे दो चार खाने को मिलेंगे, आप ये भी खा लीजिए। लेकिन सारा गेम है, अगर यूपी का ब्रेकअप दिखा सको ना आप लोग, सपा 37 जोड़ दीजिए इसमें, आईएनसी के 8, तो दरअसल 45 और 32 बीजेपी के। और ये सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर है, डबल इंजन की सरकार और सारे एग्जिट पोल्स क्लीन स्वीप फिर से दे रहे थे यूपी में, राम मंदिर का तड़का था, पता नहीं ये समीकरण इस तरह से कैसे बिगड़ गए। अब इसमें एक कई लोग अच्छा वो तो बाद में एनालिसिस होगी, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद उनका बयान कि आपकी पार्टी के में आपके दुश्मन आप ही की पार्टी में है, वो याद है आपको स्टेटमेंट्स आए थे, और वो पता नहीं अब वो खैर डिकोड होगा, समझने की कोशिश होगी। अभी तो ये भी कहना मुश्किल है कि एक्चुअल आंकड़े ये होंगे या बदल जाएगा समीकरण, क्योंकि बहुत स्लो पेस से इस समय काउंटिंग चल रही है। लेकिन फिर भी में जो प्रीमियम मिला था ना, हाँ, वो था पश्चिम बंगाल का और यूपी का, वही सारा का सारा। चलिए ये इस समय के समीकरण। अब इस बीच हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा साहब जुड़ रहे हैं और चतुर्मोता साहब तो हमारे साथ बने ही हुए हैं। इन दोनों से बातचीत करूं वीरू, उससे पहले एक बार जरा सा अपन ने जो कुछ सोचा था उससे बियॉन्ड हर प्रेशर माउंट हो गया। आज समीकरण भी किसी ने एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, ये एक कोई अहमियत है क्या जहां से घूमे थे 21,280 के आसपास के जोन्स या आज के लोज जो थे, कुछ दिख रहा है क्या चार्ट पार्ट में कहीं सपोर्ट है? 3:30 बजे ही जो कुछ है सपोर्ट वही है, 27 2023 के बाद, और शुरू हुआ था ये क्रम 13 अप्रैल 2023 के बाद। मेरे ख्याल से आशीष 22,047 पे तो हम है, 296 एनडी की फिगर है एटलीस्ट, ये फिगर कहीं ना कहीं 310-320 जाए, या फिर बीजेपी के आइसोलेशन में लगभग 250-260 की फिगर आना, तब जाके एक मीनिंगफुल पॉइंट ऑफ रिकवरी होगा जिसको आपको रीगेन करना है, वो है 22,300। अन्यथा ये वीकनेस आपको कल भी परेशानी देगी, परसों भी परेशानी देगी, आप यकीन मानिए। कन्विक्शन को अगर लौटना है ना तो 22,300-400 को रीगेन करना पड़ेगा आपको। और आई थिंक क्लोजिंग तक निफ्टी भी कोई ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि एक एक टिक्स में अगर आप देखें 100-150 ऐसे जा रहे हैं। यस, ठीक बात। इस बीच मीर वोरा सर के पास चला जाए, अभी अभी बढ़िया पैसा जुटाया है मीर सर ने, अगर बचा हुआ है खूब सारा तो बहुत बढ़िया दिन था। मीर सर बचा हुआ था क्या? मेरे दिमाग में डालना शुरू करा है अभी, रुके हुए आप? गुड क्वेश्चन। नहीं, हम तो इन्वेस्टेड हैं काफी हद तक, थोड़ा बहुत है लेकिन ऐसा कोई बड़ा परसेंटेज नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक ही, हम कैश कॉल या एसेट एलोकेशन कॉल लेने की ऐसी कोई यू नो गुंजाइश नहीं थी, तो अब तो मेनली सेक्टर स्टॉक पिकिंग में फोकस करते हैं। खरीदने का मन किया कि नहीं? सॉरी, आज कुछ नई खरीदारी करने का मन किया कि नहीं आज के फॉल को देखकर और आज के प्राइसेस को देखकर? आज तो बड़ा मुश्किल है, आज तो इतनी वोलेटिलिटी को ही अब्सॉर्ब कर रहे हैं और फाइनल आउटकम जो है क्या यू नो एग्जैक्ट सिचुएशन कहां पे सेटल होती है वो सब देख के ही बड़ा कॉल तो ले सकते हैं, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी में कोई बाय और सेल दोनों में गलती हो सकती है। तो आई थिंक इट्स बेटर टू वेट इट आउट, अब्सॉर्ब द रिजल्ट्स एंड सी के अल्टीमेटली देखिए इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या देख रहे हैं। हमें तो बेसिकली ये सिग्नल चाहिए कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं, जो जो सेक्टर पे हमने बेट किया है, जो जो हमने जो व्यूज लिए हैं उसका जो है नेक्स्ट 5 साल तक कंटिन्यूएशन रहेगा कि नहीं, तो वो सब क्लियर होगा जब ये जो फाइनल इक्वेशन दिखेगा और ऐसा कोई लगता है कि कोई रेजिम चेंज नहीं होगी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो फाइनली जो पोर्टफोलियोज हैं मिनिस्टर्स एक्सेट्रा के जो हैं वो कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठते हैं वो देख के फिर एक क्लियर पिक्चर उम्मीद हो सकती है। बट मेन तो यही है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं, उसकी क्लैरिटी जो सरकार है वो स्टेटमेंट देगी उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। 100 days प्राइम मिनिस्टर ने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स ऑल्सो सी कि वहाँ पर कैसा माहौल बनता है।
नहीं ठीक है, वो तो अब क्लैरिटी आएगी जब वो आंकड़े, सही कह रहे हो आप, फाइनल आएंगे, उसके बाद पता चलेगा किस तरह की पॉलिसी स्टेबिलिटी रहती है या दैट इज अंडर द वेदर, और उसके बाद शायद वैल्यूएशन डी रेटिंग जो भी, वो तो खैर जब आंकड़े फाइनल होंगे कन्फर्मेशन आएगा। लेकिन मीर सर, इन सबसे पहले कई सारी मार्केट वॉइसेस ये बात हाईलाइट कर रही थी कि मार्केट बड़ा सब्सटैंशली भाग गया है, वैसे हमने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए भी थे, तो कई लोगों के गणित कहता था कि वैल्यूएशंस वैसे ही स्ट्रेच नजर आ रहे हैं। क्या आप भी उस कैंप को बिलोंग कर रहे थे जहां पे भारतीय बाजारों के मूल्यांकन आपको भी महंगे लग रहे थे क्या? नहीं, बाजार में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, देर आर पॉकेट्स जहां पे वैल्यूएशन स्ट्रेच थे और वही पॉकेट्स में हम देख रहे हैं कि काफी करेक्शन भी आ रही है, और काफी सारे पॉकेट्स हैं जहां पे वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच नहीं है, तो अभी भी स्टॉक पिकिंग और सेक्टर एलोकेशन में तो काफी स्कोप है। और अभी भी जो करंट सिचुएशन भी यही है कि ऐसा कोई रेजिम चेंज की बात नहीं है, तो जो हमारा बेसिक लॉन्ग टर्म व्यू है कि इंडिया एज अ ग्रोथ मार्केट फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स एंड बीइंग द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, तो वो थीसिस तो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर वो, अगर हम कॉन्फिडेंस है कि 7% जीडीपी ग्रोथ हम अचीव करते रहेंगे, तो वैल्यूएशंस में इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, खास करके सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल्स जो है, एफएमसीजी है, आईटी है, वो सब सेक्टर्स मे नॉट बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स, बट वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो जो एक साइडेड, जो शायद एक सडन पॉकेट्स में जो मार्केट चल रहा था, मेरे ख्याल से अब मोर ब्रॉड बेस हो सकता है मार्केट। जी आज एग्जैक्टली अगर आप देखें, बाजार ने इस अब तक के नंबर्स से अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से अलाइन कर लिया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए, शार्प रिट्रेसमेंट, पीएसयू बैंक्स और साथ ही साथ डिफेंस कंपनियां, और किस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लिया है डिफेंसिव्स के साथ। एचयूएल मेरे ख्याल से शायद एक ज़माने बाद इतना बड़ा इंटरेस्ट स्विंग जनरेट कर रहा है, हालांकि टाइम फ्रेम वाइज भी अगर आप देखें इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, वेरी क्लोज टू आई थिंक जब मॉनसून ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है। आपका व्यू, ये पॉकेट ज़्यादा कंफर्टेबल है क्या इस वक्त चेस करने के लिए इन अनसर्टेनिटी में, स्पेशली एफएमसीजी? सर्टेनली, क्योंकि ये जो सेगमेंट था काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था। हमने कई बार ये भी डिस्कस किया है कि जो रूरल इकोनॉमी की रिकवरी थी वो इतनी फास्ट नहीं है, जो प्रीमियम एंड कंजम्पशन बेटर चल रहा था, और अब जाके उम्मीद ये बन रही थी कि रूरल इकोनॉमी जो कोविड के इम्पैक्ट से बाहर निकल रही थी वो अब शायद एक्सेलरेट होगी जबकि मानसून अगर नॉर्मल हो जाती है, तो दैट एक जो वो कंटिन्यूटी है रिकवरी की, वो अगर होती है तो अच्छी बात है एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ काफी वहां पे वीक रहा है अभी आज पिछले एक दो साल में। और सेकंड बात ये भी एक है कि अगर ये इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से गवर्नमेंट अगर यू नो रूरल इकोनॉमी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने को ट्राई करे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो उम्मीद से थोड़ी कम सीट चाहिए जो लग रही है, जिस तरह से लग रहा है, वो शायद एक रूरल डिस्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। तो शायद ये दो फैक्टर्स की वजह से मार्केट ये व्यू ले रहा है धीरे धीरे करके कि नॉर्मल रिकवरी कोविड के बाद की, अच्छी मॉनसून, और शायद अ लिटिल बिट ऑफ मोर सपोर्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, ये हो सकता है। मैं आपसे एक फटाफट सवाल ये पूछना चाहूंगी, अब पीएसयू कंपनियां और खासतौर से डिफेंस रेलवे में गिरावट पर फिर खरीदारी जोर पकड़ेगी या नहीं? कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे हमने देखा थोड़े दिन लग जाएंगे क्लैरिटी आने में कि भाई किस तरह की मिनिस्ट्रीज अलोकेट होंगी, किस तरह की पोर्टफोलियोज अलोकेट होंगी, तो वो सब देख के ही मेरे ख्याल से एक स्टेबिलिटी आएगी। इसका मतलब नहीं है कि कल जाके बढ़ नहीं सकते, स्टॉक्स बढ़ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं, बट गिवन के ये स्टॉक्स, ये जो सेगमेंट्स काफी सारे जो थे वो पिछले 3-4 महीने में काफी चल चुके थे, तो एक कंसोलिडेशन का फेस तो डेफिनेटली इसमें आ सकता है। चलिए मीर सर, थैंक यू सो मच आज के इम्पोर्टेंट दिन हम लोगों के लिए वक्त निकालने के लिए। चतुर्मता साहब, जाने से पहले आज कुछ एक्यूमुलेट करा अपनी पुरानी पोजीशंस में, कुछ ऐड करा, कुछ नया वया देखा, खरीदा, कुछ मन था, भाव अच्छे मिल गए, ऐसा कुछ किया क्या? नहीं आशीष, जैसे हमने कहा कि कंप्लीट एक वेट एंड वॉच है, क्योंकि देखिए जो आउटकम आएगा ये बहुत ही डिसाइसिव होगा, और ये कोई शॉर्ट टर्म रिएक्शन के लिए नहीं, पूरे चेंज ऑफ ट्रेंड इसके कारण हो सकता है। तो जब इतना बड़ा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है तो फिर कोई जल्दबाजी करना इस समय ठीक नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर से ये करंट नंबर्स आते हैं तो थीम्स
चेंज होने में समय नहीं लगेगी, और अगर से आपके नंबर्स इंप्रूव हुए तो करंट थीम ही अच्छा करेगी, और करंट थीम अच्छा करती है तो फिर एलोकेशन ऑलरेडी है। तो मेरे हिसाब से इस समय पे कोई भी जल्दबाजी करना और आज लेकर के पैसा बनाना, ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से रिस्क होगा। इसको देखिए, अगर से आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म में करते हैं और सिर्फ करते ही जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बट मेरे हिसाब से कोई ऐसे एलोकेशन का आज हम वेट करेंगे जहां पर कोई क्लियर कट कॉल लेने का बात हो, तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच रखिए। आपको बराबर बाजार मौका देगा, अगर से कोई चीज बड़ी चलने वाली है तो शायद थोड़ा बहुत मूव मिस होगा, बट उसके बाद आप उसके बड़े ट्रेंड को ऑलरेडी कैप्चर कर लेंगे। अच्छा, दो चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो अगर शाम का आप लोगों ने कुछ प्लान बनाया हुआ है तो उसको थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है मामला। ये मतलब पिक्चर शायद 4:30-5 बजे तक भी क्लियर ना हो तो थोड़ा सा हमको उस हिसाब से ऑफिस में रहना होगा। दूसरा, एक दो जगह मैं देख रहा हूँ वापस वो जो नंबर है वो 300 के करीब बढ़ रहा है, 300-302 के करीब आ रहा है। और विद इन दैट अब जो हमको नंबर पे फोकस करना है ना, वो नंबर हमको फोकस करना है विद इन एनडीए बीजेपी कितनी है। सारा मामला इसका, अगर बीजेपी 250 क्रॉस हो गई तो आज मार्केट ने अब तक वर्स्ट केस पचा लिया है। अब अगर बीजेपी 250 क्रॉस हो गई है और ये एनडीए 310 क्रॉस हो गई अगर, तो कल मार्केट में रिकवरी भी आ जाएगी ये मेरे ख्याल से, क्योंकि कई सीटें हैं जहां पे मामला जो है वो 8-10 हज़ार वोटों तक का है। ठीक है, तो सारा मामला है ये, ठीक है ना, क्योंकि 238 बीजेपी, 16 TDP, शिंदे वाली शिवसेना 7, ये जो कुछ अलाइज है जो इनके साथ रहेंगे। ठीक है ना, एक JDU को लेकर थोड़ी सी वो चल रही है क्योंकि एक दो चैनल्स पर आ रहा है कि उनकी शायद शरद पवार की ऑलरेडी बात चल रही है, सब आ रहा है सब। लेकिन क्या है ना, अब अपने को फोकस जो करना है वो इस नंबर पर फोकस करना है, वो जो हाईलाइट हो रहा है ना बीजेपी का खुद का कितना नंबर, अब 239 हो गया। जैसे अगर ये नंबर 250 क्रॉस हो गया और अगर NDA 300 के ऊपर हो गया तो मार्केट में कल एक रिलीफ प्ले आउट हो सकता है। देखिए, अब मार्केट में वो जो बड़ी वाली रैली थी ना वो तो नहीं आएगी, वो तो आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, कुछ टाइम के लिए वो रैली तो नहीं आने वाली है, लेकिन एटलीस्ट रिकवरी मार्केट में आ सकती है प्रोवाइडेड ये प्ले आउट हो जाए। क्योंकि हाँ, अगर आज शाम तक ये नंबर और उल्टा नीचे आ गया तो कल आप फिर एक और नेगेटिव नंबर के लिए या नेगेटिव ओपनिंग की तैयारी कर लीजिए। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, अभी अगला 1.5 घंटा और काफी क्रुशियल रहने वाला है मार्केट के लिए। मैं इनफैक्ट कुछ देर पहले बोल रही थी कि 3:30 तक साफ हो जाता तो मार्केट वाले भी थोड़ी सी राहत की सांस लेके आज शाम को अच्छे से सो जाते, कल जो होता वो होता। But either ways, अब एक ब्रेक लेते हैं। देखिए, वाजपेयी जी तो खैर वो घर जाके वापस आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए हम लोग बस ऑप्शन नहीं रही थी। तो वैसे भी हैं, लेकिन और वीरू को हो सकता है कि वीरू को तो हो सकता है कल की फ्लाइट भी पोस्टपोन करनी पड़े। अभी अभी ये मना कर रहे थे, ये कह रहे थे टोल भी बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, तो मैं वैसे ही नहीं जा रहा हूं। आज एक क्विक छोटा सा ब्रेक का समय हो रहा है। HDFC स्काई के MD और CEO धीरज रेली साहब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। रिलीज आपसे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के उस पार।